ज्ञानवापी के सर्वे का आज तीसरा दिन, अब से थोड़ी देर में शुरू होगा सर्वे। ज्ञानवापी को लेकर याचिकाकर्ता सीता साहू का बड़ा दावा, ज्ञानवापी परिसर में आधा पशु और आधा मानव की एक आकृति मिली है। एसआई के 40 सदस्यों को चार टीमों में बांटकर सर्वे का दावा, जांच में अत्याधुनिक मशीनों का हो सकता है इस्तेमाल। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शिलान्यास, 508 स्टेशन की पलटेगी काया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर आज के दिन को बताया ऐतिहासिक, कहा रेलवे के बुनियादी ढांचे में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम रखेंगे आधारशिला, रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। गृहमंत्री अमित शाह पुणे में आज सीआरसीएस का डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेंगे, सुबह 11:30 बजे रामकृष्ण अमोरे हॉल में होगा कार्यक्रम। अमित शाह पार्टी बैठक में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे, एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भुवनेश्वर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी मुख्यालय में की बैठक, बैठक में राज्य से बीजेपी के कई नेता रहे शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज के दिन को देश और रेलवे के लिए बताया अहम। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि, मुख्य कार्यक्रम लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा आयोजन। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद खास है, चंद्रमा की ओर करीब पहुंचेगा यान। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा इसरो का अगला ऑपरेशन, आज रात 11 बजे से शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ सेना का एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपीएटीएस ने एक और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया, अनंतनाग से गिरफ्तार हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, खवास के डोरीमाल इलाके में मुठभेड़ हुई। पुणे आईएसएस मामला, आरोपी आकिब नाचन गिरफ्तार हुआ, आकिब नाचन आईडी बॉम्ब बनाने में माहिर। कांग्रेस नेता कमलनाथ छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा में शामिल हुए, कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री को आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कमलनाथ के बागेश्वर धाम की शरण में जाने पर बोले सिंधिया, चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते। गोंडा की बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बाबा बागेश्वर पर कसा तंज, कहा ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं। रूसी एयरोस्पेस फोर्स और सीरियन एयरफोर्स का बड़ा अटैक, इदबिल में आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल अटैक, यूक्रेनी एविएशन को किया टारगेट। स्टारो कॉन्स्टेंटिनोव में हवाई अड्डे और मोटरसेज प्लांट पर हमला किया गया, यूक्रेन के हमले की पुष्टि। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स और रूसी सेना के बीच बड़े पैमाने पर गोलाबारी जारी है, यूक्रेनी सेना ने शुरू किए क्लस्टर हथियारों से हमला। यूक्रेनी हमलों से रूस को भारी नुकसान की खबर, डोनेस्क यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड की इमारत में भी हमले के बाद लगी आग। डोनेस्क यूनिवर्सिटी पर हमले का नया वीडियो आया सामने, हमले में धधकने लगी यूनिवर्सिटी की इमारत। यूक्रेन की सेना ने अपना आक्रामक रुख, रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेन की ओर से किए जा रहे लगातार हमले। ज़ेलेंस्की का दावा, जेद्दा में 42 देश यूक्रेनी संकट को सुलझाने के लिए शांति फॉर्मूले पर कर रहे चर्चा। हरियाणा के नूह में इंटरनेट सेवाएं 8 अगस्त तक रहेंगी बंद, हिंसा के बाद से नूह में बंद है इंटरनेट सर्विस। हरियाणा के नूह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, नूह प्रशासन ने बिरानी चौक पर कई अवैध इमारतों को घिरा दिया है। हरियाणा हिंसा मामले में अभी तक 102 एफआईआर दर्ज, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में जानकारी दी। नूह में नलहड़ मंदिर के पास एक इमारत पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 31 जुलाई को इसी इमारत से पत्थरबाजी का आरोप है। नूह हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एक्शन तेज हो गया, हरियाणा एसटीएफ ने पालड़ी इलाके में छापा मारा। सपा नेता एसटी हसन ने नूह में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा, सरकार अपराधियों को पकड़े, मकान तो अपराधी नहीं है। मानसून सत्र से पहले यूपी विधानसभा भवन में डिजिटल कॉरिडोर तैयार, कल से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णिमेश मोदी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का दौरा किया और रामलला की पूजा अर्चना की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया, गोवर्धन मठ के दौरे के बाद गोवर्धन पीठ मठ के स्वामी श्री निचलानंद सरस्वती जी से मुलाकात की। दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग आज दिल्ली विश्वविद्यालय के पोलो ग्राउंड स्टेडियम में करेगा वन महोत्सव का आयोजन, पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय इसमें अतिथि होंगे। अंजू के पति अरविंद ने दर्ज कराई एफआईआर, लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 4 साल पूरे, बीजेपी ने मनाया जश्न।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जश्न मनाया, मैराथन का आयोजन किया। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन, घाटी की विरासत को संजोने की कोशिश। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जिला पंचायत ट्रेनिंग कैंप का जायजा लिया, प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को दिए कई अहम टिप्स। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स में क्लस्टर हथियारों से तबाही मचाई, वीडियो आया सामने। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में सुनाए दिए धमाके, कुपियांस्की में भी भारी विस्फोट की खबर। दूसरे ड्रोन हमले के बाद रूस ने शुरू किए पूरे यूक्रेन पर मिसाइल हमले, ब्लैक सी से यूक्रेन पर हमले जारी। एंगल्स हवाई इलाके में रूस के 2 TU-95 बॉम्बर दिखे, कैस्पियन रीजन की ओर बढ़ते दिखे लड़ाकू विमान। एटोक जेल में बीती इमरान खान की पहली रात, गिरफ्तारी के बाद एटोक जेल भेजे गए इमरान। इमरान समर्थकों ने कई जगह पर किया है प्रोटेस्ट, तोशाखाना केस में इमरान को 3 साल की सजा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों का भुगतान किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आईएम अहमदाबाद में हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मद्रास यूनिवर्सिटी का 165वां दीक्षांत समारोह आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि। हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार रंग बिरंगी रोशनी से नहाया, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लाइटिंग का शुभारंभ किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में विकास पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर डिजिटल इंडिया RISC-V कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर से EOW ने पूछताछ की है, 500 करोड़ के भूखंड घोटाले में 5 घंटे तक पूछताछ। कोलकाता में आज केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी का प्रोटेस्ट, केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की अनदेखी करने का आरोप लगाया। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश। जयपुर ट्रेन गोलीकांड में आरोपी चेतन सिंह की पत्नी से हुई पूछताछ। पंजाब पुलिस ने हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 2 तस्करों के पास से 17 पिस्टल बरामद। मणिपुर हिंसा को लेकर जमात इस्लामी हिंद ने सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार तत्काल एक्शन लेती तो नहीं होती हिंसा। इम्फाल में हिंसा की छिटपुट घटनाएं आज भी जारी, गेम्स विलेज के पास आज भी उपद्रवियों ने पथराव किया। झांसी में एक युवक ने माता पिता की हत्या की, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में युवक की चाकू से गोद कर हत्या, सिटी स्टेशन के पास लहू लिहान मिला मृतक अमित का शव। कानपुर में छात्र का अपहरण, अपहरणकर्ताओं ने मांगी 10 लाख की फिरौती। यूपी के फिरोजाबाद में सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा की हत्या पर पुलिस ने खुलासा किया, नौकर नहीं की थी मालिक की हत्या। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा बस हादसा, बराकर नदी में अनियंत्रित होकर गिरी बस, 3 की मौत। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश के चलते यात्रियों से भरी बस बह गई, जेसीबी की मदद से लोगों को बचाया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में खेतों से देसी बम बरामद हुआ, सतीतारा इलाके में जार में रखे गए थे ये बम। यूपी के मेरठ में जांच के दौरान 60 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं HIV पॉजिटिव। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, बंदूक की नोक पर आभूषण की दुकान में लूटपाट करने वाले आरोपी को धर दबोचा। दिल्ली NCR में लगे भूकंप के तेज झटके, 5.8 रही तीव्रता। ओडिशा के कदमाल में गांजा तस्करी में पकड़े गए थे पुलिसकर्मी, कार्रवाई न होने पर भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। हैदराबाद में कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़े 2 यात्री, दोनों के पास से जब्त किया गया सोना। जम्मू कश्मीर में 2 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.6 और 4.7 मापी गई तीव्रता। राजस्थान में भूकंप के जोरदार झटके, जयपुर में सड़कों पर लोग निकल कर आ गए। चंडीगढ़ और पंजाब के कई इलाकों में भूकंप के जोरदार झटके। स्कूल में हिंदू संगठन का हंगामा, छात्रों का आरोप जय श्री राम के नारे लगाए तो मैडम ने थप्पड़ मारा। नोएडा में लिफ्ट के हादसों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, लोग उठा रहे लिफ्ट मेंटेनेंस पर सवाल। लखनऊ में हार्ट पेशेंट मां को लेकर जाते वक्त लिफ्ट में फंसा था युवक, लिफ्ट में आए दिन आती है परेशानी। नोएडा में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने, लिफ्ट में महिला की मौत, लोगों ने किया हंगामा। नोएडा पारस टियरा सोसाइटी लिफ्ट मामले में केस दर्ज, मेंटेनेंस कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। लिफ्ट में हुई मौत को लेकर लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बरसाई लाठियां। केरल के कोझिकोड के तुषारगिरी में मालाबार नदी महोत्सव जारी। कोयंबटूर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक्शन में है प्रशासन। राजस्थान के कोटडी में नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर शव जलाने के मामले में प्रदर्शन जारी। भोपाल में जागरण यूनिवर्सिटी में घुसा टाइगर, कर्मचारियों में हलचल मची। नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम सोसाइटी में एक 8 साल के मासूम पर
आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कानपुर में पालतू बिल्ली को लेकर दो पड़ोसियों के बीच मारपीट, झगड़े में तीन लोगों को आई चोट, पुलिस ने मामला दर्ज किया। हिमाचल के लाहौल में 419 भेड़े को का पशुपालन विभाग ने रेस्क्यू किया। गोफर्स ने आज तक सभी उड़ानों को किया रद्द, आर्थिक तंगी से जूझ रही एयरलाइन। मां बनी लियाना डिक्रूज़ बेटे की पहली फोटो शेयर करके बताया नाम। अटारी बॉर्डर पर फिल्म गदा 2 का प्रमोशन, फिल्म के गाने पर जमकर थिरके अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ, 18 अगस्त तक चलेगा मुकाबला। वर्ल्ड कप को लेकर कोलकाता में तैयारियां तेज हो गई, ईडन गार्डन पहुंचे बीसीसीआई और आईसीसी के अधिकारी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज गुआना में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच।